पप्पू यादव का मतलब सेवा करना, मुझे विश्वास करके मेरे ऊपर मुझे किशनगंज जिला का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। फर्स्ट मेरा टारगेट है कि किशनगंज जिला में जातिवाद, जय श्री राम और नारे तकबीर के नाम पर जो राजनीतिक होता है उसको ख़त्म करना। मेरा सेकेंड टारगेट है कि इस जिला से 126 पंचायत किशनगंज जिला में 212 नर्सिंग होम, अवैध नर्सिंग होम को ख़त्म करना। इस जिला से अवैध तरीके से लड़कियां गायब होती है, ये लड़कियां आखिर जाती कहाँ है, ये सवाल है मेरा, इस पर मुझे काम करना। एजुकेशन क्लास सिक्स में आज़ाद इंडिया फाउंडेशन के तरफ से एक जनगणना हुआ, उसमें पता चला कि क्लास सिक्स में 1865 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, वो जाके क्लास टेन में 145, ये स्टूडेंट आखिर जाते कहाँ, ये पढ़ाई छोड़ने का मतलब रीज़न क्या है। इस जिला चार नदी, महानंदा, कौल नदी, डॉक नदी, रतुआ नदी, ये चारों नदी को बांध बांधना सबसे बड़ा नेसेसरी, इस पर मुझे काम करने के लिए टारगेट दिया गया है। मुझे विश्वास करके मुझे पहचान दी है जन अधिकार पार्टी। मैं माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश अनुसार लगातार मैं काम करता हूँ इसको और मजबूती के साथ। मैं पहले कल तक अकेले था, अब मजबूती के साथ पूरी टीम को लेकर लार्ज स्केल में, इसके लिए मुझे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, हाईवे जाम करना पड़े, भुकड़ताल में रहना पड़े, जिस लेवल से हो मैं उसमें 100% मैं काम करूँगा। यहाँ के युवा किशनगंज जिला में नशा से परेशान है, जिसमें हर घर में लगभग चूड़ी होती है, इसको रोकने के लिए मैं 100% इस एरिया में कोडिन टेन इसमें जैसे कैसे ड्रग्स पदार्थ हैं उसको ख़त्म करना मेरा सबसे बड़ा टारगेट। ऐसे जिला अध्यक्ष की तलाश थी जो हम सब के कंधे से कंधे मिलाकर जिला में जो गलत काम हो रहे हैं और जिला को आगे कैसे बढ़ाना है। इस जिला में छात्रों को देखिए, दो ही गवर्नमेंट कॉलेज है, एक मारवाड़ी कॉलेज, एक नेहरू कॉलेज, फिर भी हर साल लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे और बच्चियां एडमिशन नहीं हो पाती है। कॉलेज में कहा जा रहा है कि सीट नहीं है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। विश्वविद्यालय से बात करने का ज़रूरत पड़ेगा, वाइस चांसलर से लेकर गवर्नर तक हम लोग जाएंगे, बात करेंगे कि आखिर किशनगंज जिला में दो ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इस पर एक गवर्नमेंट कॉलेज और देने का मांग रखेंगे हम। कि हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, हम उनका आभार प्रकट करेंगे, ठीक है, और इसलिए आभार प्रकट करेंगे कि एक नए जोश के साथ एक युवा को उन्होंने अवसर दिया है, मौका दिया है। और नासिक भाई बहुत पहले से सकारात्मक तरीके से जो हमारे नगर की परेशानियां हैं, जो हमारे पंचायत की परेशानियां हैं, उसको बखूबी निभाते आए हैं। और आशा है, उम्मीद है कि ये संगठन को एक डोर में बांध करके जो हक की लड़ाई होगी उसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो नर्सिंग का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो और भी जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, या विद्युत विभाग की ही मनमानी हो, ये सभी पर कदम से कदम मिला करके हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और युवा जोश के साथ, कहा भी जाता है, आपने सुना भी होगा, स्वामी विवेकानंद का कॉल है कि ऐसे युवा जो अपने राष्ट्र में योगदान नहीं निभाते हैं उनका इस राष्ट्र में कहीं से भी सकारात्मक पहल नहीं होता है। तो हम लोग एक सकारात्मक पहल करना चाहते हैं।